हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी स्मार्टफोन को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले सेटिंग में जाते हैं। इस सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद हमें ढूंढना है बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन। ये रहा बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखो बैकअप अकाउंट दिखा रहा है जहाँ पे आपका अकाउंट बैकअप किया हुआ है। तो सबसे लास्ट ऑप्शन है फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा रीसेट डिवाइस, उस पर क्लिक कर देंगे। तो आपके उसके बाद आपका जो फ़ोन का पासवर्ड होगा वो पासवर्ड डालना है और डिलीट ऑल पर क्लिक कर देना है। सिंपल है। अब यहाँ से सारा प्रोसीजर अपने आप होगा। आपको कोई भी बटन को प्रेस नहीं करना है, कहीं पे भी टच नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है, देखते रहना है। और हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी फॉर्मेट करने से पहले बैटरी को अच्छी तरीके से चार्ज कर लें। अगर बैटरी लो है तो कभी भी फॉर्मेट ना करें, हो सकता है इससे आपका फ़ोन डेड हो जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन फॉर्मेट हो चुका है। अब यहाँ से हमें सेटअप करना है बिल्कुल न्यू तरीके से। अब ये फ़ोन बिल्कुल न्यू कंडीशन में है। अब मुझे सेटअप करना है। पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे स्टार्ट बटन पे, सिम सेलेक्ट करेंगे, वाईफाई आएगा, यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। ये सब नॉर्मली तो आप जानते होंगे। वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद फिर जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करते रहेंगे। अब यहाँ पे अपना सेम ईमेल आईडी डालेंगे जो पहले फ़ोन में था, तो सारा डेटा मेरा वापस आ जाता है, उससे रीस्टोर हो जाता है। और अगर दूसरा ईमेल आईडी डालते हैं तो वो डेटा, कोई भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह, मेमो वगैरह, कोई भी चीज़ वापस नहीं आता है। और अगर सेम आईडी डाल देते हैं तो हमारा सारा कुछ वापस आ जाता है। अब ये सेटअप मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये फ़ोन अब न्यू कंडीशन में आ गया है। अब यहाँ से आपको फिर प्ले स्टोर से जो भी चीज़ डाउनलोड करना है या जो भी कुछ करना है सारा कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।